नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, स्वागत है आप सबका मैथ्स की क्लास में। बच्चों, अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा हुआ है उसका आज हम रिवीजन करेंगे, और अभी कुछ दिन में हमारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो हमें उसकी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। आप सबको जो घर पे काम दिया गया है, होमवर्क, आप सब कंप्लीट करते रहना समय समय पर, और मुझे दिखाते रहना है। चलो हम रिवीजन करते हैं। बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा था? नंबर्स के बारे में सीखा था, है ना? नंबर्स में क्या सीखा बच्चों? हमने नंबर्स 1, 2, 9 सीखा था। बाद में हमने 0 नंबर सीखा, तो 0 से लेके हमने कितने नंबर सीखे थे? 10 नंबर तक हमने सीखा था। इसमें बच्चों हमने क्या सीखा है? यस, काउंटिंग करना सीखा, काउंटिंग एंड राइटिंग, कैसे हम लिखते हैं, किस सिंबल का यूज करते हैं हम पर्टिकुलर नंबर लिखने के लिए। ओके बच्चों, तो नंबर्स में हमने 0 to 10 काउंटिंग एंड राइटिंग सीखा। उसके बाद बच्चों हमने क्या सीखा था? स्मॉल नंबर्स एंड बिग नंबर्स। ओके बच्चों, बिग नंबर्स सीखा था ना? ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों हमने नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर सीखे थे, है ना बच्चों? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद बच्चों हमने क्या सीखा था? नंबर्स के एडिशन, कैसे हम ऐड करते हैं, सीखा था ना? आप सबको समझ में आ गया ना? एडिशन एंड क्या सीखा था? सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन सीखा था हमने, कैसे हम नंबर को, दो नंबर्स को ऐड करते हैं, और कैसे एक बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कम करते हैं। ओके बच्चों, चलो हम लोग इसके डिटेल में जाते हैं, थोड़ा नंबर्स के बारे में हम सीखते हैं एक बार फिर से, जो हमने पढ़ा था वो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में बच्चों। बच्चों हमने नंबर सीखे थे 1 to 9, उसके बाद हमने 0 और 10 की प्रैक्टिस की, लिखने की और काउंट करने की। बच्चों मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करता हूँ जिन्हें काउंट करके आपको प्रॉपर नंबर बॉक्स में लिखना है। ओके बच्चों, ये मैंने क्या ड्रॉ किया बच्चों आपको बताना है, और ये काउंट करके इन ऑब्जेक्ट्स को बच्चों इस बॉक्स में करेक्ट नंबर लिखना है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं पहले बताओ आप? क्या है? मैंगो। वेरी गुड। कितने मैंगो है आप? आपको क्या करना है? काउंट करना है। 1, 2 एंड 3। कितने मैंगो है बच्चों? 3 मैंगो। तो इस बॉक्स में हमको कितना लिखना है? 3। 3 लिखने आता है ना आप सबको? वेरी गुड। इसके बाद बच्चों फिर से आप देखो बच्चों ऊपर क्या ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दो, स्टार है। वेरी गुड। कितने स्टार्स हैं आपको काउंट करना है, और नीचे जो करेक्ट आंसर है उसे क्या करना है? सर्कल करना है। कितने स्टार हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। यह क्या नंबर, कौन सा नंबर है? फर्स्ट वाला 4, 2 एंड 1, और ये क्या है बच्चों, कौन सा नंबर है? 5। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? काउंट करने के बाद हमने कितना स्टार देखा बच्चों? 5। तो 5 को क्या करना है बच्चों? यस, सर्कल करना है। ऐसे ही जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा उसे कंप्लीट करके दिखाना है। ओके बच्चों, इस तरह हमको प्रैक्टिस करनी है। चलो आपके बुक में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ओके बच्चों, प्रैक्टिस 1, 2, 9। यहाँ पे बच्चों ढेर सारे नंबर्स लिखे हुए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने सीखा है ना, ये सारे नंबर्स को काउंट करना और लिखना। आपको करना क्या है बच्चों, ये सारे जो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं बच्चों इनमें क्या करना है? यस, प्रैक्टिस करना है लिखने की। ये जो खाली बॉक्सेस है बच्चों इसमें क्या करना है, हमें जो नंबर यहाँ पे दिया गया बॉक्स इसको प्रैक्टिस करना है लिखने की। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखना है? 1। सारे बॉक्सेस में बच्चों 1 लिखना है। आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, पेंसिल से लिखना है। ओके बच्चों, यहाँ पे नीचे के बॉक्स में 2, जैसा आपको सिखाया गया बच्चों अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके,
सारे जो बॉक्स है 1 2 3 4 5 6 आपको पूरे 9 तक कंप्लीट करके मुझे क्या करना बच्चों, दिखाना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं हम लोग। क्या है बच्चों इसमें? बच्चों एक क्वेश्चन है, काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं बच्चों, आपको उनके ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं और नीचे करेक्ट नंबर पर सर्कल करना है। जैसे पहला एग्जांपल देखो दिया हुआ बच्चों, पैरेट बने हुए हैं। टोटल कितने पैरेट्स हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 पैरेट्स हैं और नीचे नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं, 4 7 3 5। करेक्ट नंबर कौन सा था बच्चों? 4। वेरी गुड। तो 4 पे हमने क्या करना है? सर्कल करना है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। आपको बाकी के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पे स्पाइरल्स बने हुए हैं, आपको इन बर्ड्स को स्पाइरल्स को काउंट करना है और करेक्ट नंबर पर सर्कल करना है। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, आपको घर पे करके मुझे दिखाना है एग्जाम में, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों, और घर पर ही रहना है, होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक